कोई मेडिटेशन लगाता सुबह शाम, परमात्मा कहते हैं झूठा ज्ञान है। और ध्यान कहाँ लाओ, थारा ज्ञान ना नकली है, फिर ध्यान क्या लगा रहे हो तुम? ये वाद विदा चतुराई, ये तो दुनिया को मूर्ख बना रहे हो तुम। और यदि ध्यान अभ्यास करते हैं हठ योग से तो वो तप बन जाता है, तप से राज्य प्राप्त होता है, राज्य प्राप्त करके ये प्राणी नरे पाप इकट्ठे करता है, अगले जन्म में वो फिर 84 लाख योनियों में और नरक में दुख उठाता है। कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वर यानी जो घना तप करता है वो ज़्यादा समय तक राज्य करता है, और तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, और जितना घना राज करेगा वो घना घने दिनों तक, ज़्यादा दिनों तक नरक में ठोका जाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका नरक तैयार होगा। किन राजाओं का जो भगवान से डरने वाले नहीं, यथार्थ भक्ति नहीं करते। यदि भगवान से डरने वाला राजा हो और सत साधना करे और फिर वो अपने राजकाज में किसी को सतावा नहीं, दंड नाजायज दे नहीं, तो उस राजा पे भार नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान से डरने वाला होता है, वो अन्याय अत्याचार नहीं कर सकता। तो क्या बताते हैं, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, तपेश्वर माने जो घना तप करने वाला सबसे मुखिया, उतना ही ज़्यादा शासन करेगा, उतना ही ज़्यादा उसको राज्य होगा, और जितना राजेश्वरी जो घना राज करेगा उतना ही नरकेश्वरी, वो नरक में जाएगा।